सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ, लव जिहाद मामले में रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक महिला मॉडल ने पुलिस में लव जिहाद की शिकायत की है। मॉडल का आरोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छुपाकर धोखा किया। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये खबर रांची से, जहां पर एक मॉडल ने आरोप लगाया है कि उसे नाम यश बताया गया लेकिन असली नाम कुछ और था, धर्म छिपाया गया और अब उस पर दबाव यह डाला जा रहा है कि वो भी धर्म परिवर्तन करे और शादी करे। लगातार उसे झांसा दिया जा रहा है। तो मॉडलिंग कंपनी के संचालक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की थी। और लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां एक महिला मॉडल ने पुलिस में लव जिहाद की शिकायत की है। मॉडल का आरोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया। मॉडल बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और उसने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद वो मुंबई में मॉडलिंग के लिए पहुंची थी। आरोप है कि मुंबई जाने के बाद मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसने मॉडल की निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया। आरोप है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने अपना नाम छिपाया और उसे अब यश बताया था अपना नाम और अपनी असली पहचान भी छिपाई थी। पीड़ित मॉडल ने इस बारे में मुंबई के वर्सोवा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने झारखंड पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में पीड़ित मॉडल ने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई लेकिन मामला रांची का था, इसीलिए पुलिस ने ये केस रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। मॉडल का आरोप है कि जब वो रांची से मुंबई आ गई तब भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि मुंबई पहुंचकर उसने पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि आरोपी के पास उसकी कुछ निजी तस्वीरें थी और इन्हीं निजी तस्वीरों के जरिए वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उस पर धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव तक डाला जा रहा था। और इसके बाद पीड़ित ने मुंबई में आरोपी के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई और फिर मुंबई पुलिस ने इस एफआईआर को झारखंड पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। मुंबई में मॉडल के साथ लव जिहाद। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। मॉडलिंग सेंटर के मालिक का धोखा। रांची में मुलाकात, मुंबई में ब्लैकमेल। उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। मॉडल पर धर्म परिवर्तन का दबाव। यश के नाम पर तनवीर की साजिश। धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश की उसने। निजी तस्वीरों से मॉडल को ब्लैकमेल, फोटो के बदले धर्म परिवर्तन। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, ना ही उससे शादी करूंगी। मॉडल, लव जिहाद और ब्लैकमेल। और अब इस पूरे मामले में आरोपी का बयान भी सामने आ चुका है, हम आपको आरोपी का बयान भी सुनाएंगे लेकिन पहले आपको पीड़ित मॉडल का बयान दिखाते हैं जिसमें वो आरोपी तनवीर पर गंभीर आरोप लगा रही है। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई जो रांची में है, वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मानने तक पे उतर आया है कि मैं, वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश की उसने। उसने मुझे लालच भी दिया, उसने मुझे अपनी कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला, मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है, मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, ना ही उससे शादी करूंगी।
मॉडल को ब्लैकमेल करने के आरोपी ने खुद मॉडल पर ही उसे धोखा देने का आरोप लगाया है। आरोपी ने कहा कि खुद मॉडल ही उसे ब्लैकमेल कर रही है। यही नहीं, आरोपी के मुताबिक उसकी ही कुछ न्यूड तस्वीरें महिला मॉडल के पास है जिसके जरिए मॉडल उसे ब्लैकमेल कर रही है। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। आइदर उन्होंने मेरा न्यूज फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूं, और दो फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपाली त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रूपाली, क्योंकि मामला पहले लड़की ने दर्ज कराया, मुंबई में दर्ज कराया था, लेकिन रांची ट्रांसफर हो गया, कैसे पुलिस अब छानबीन कर रही है, कहां तक पहुंची? बता दी कि 29 मई को वर्सोवा पुलिस स्टेशन मुंबई में ये एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके बाद हार्ड कॉपी के तहत आज राजधानी रांची ये मामला पहुंचा है और गोंदा थाना में यहां पर जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब जो है पुलिस जो है अपनी कार्रवाई जो है शुरू करने की प्रक्रिया में है। हो सकता है, संभावनाएं हैं कि अगर ये चीज मिलता है, लड़का को ट्रैक किया जाए, तो उसको तुरंत जो है पुलिस हिरासत में ले सकती है अभी से कुछ घंटों में। ये रही पुलिस की प्रक्रिया, और लगातार अभी भी कुछ घंटों पहले तक तनवीर के माध्यम से ये बताया गया है, मानवी ने बताया है कि उसे लगातार जानलेवा हमलों की जो है धमकी दी जा रही है। ठीक है रूपाली, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रांची से जुड़े लव जिहाद के केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद झारखंड में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी ने साथ ही कहा कि अगर आरोपी को छोड़ा गया तो बीजेपी सड़कों पर उतर आएगी। उधर सत्ताधारी दल जेएमएम ने इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बीजेपी और जेएमएम की ओर से आए बयान दिखाते हैं। उसने एक बिटिया के साथ ब्लैकमेल करके उसके जीवन को तबाह करने की कोशिश की है, उसको धर्म बदलने की कहा है, उसे विवाह करने के लिए, उसको मुस्लिम बनने के लिए वो जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है। कुछ पिक्चर्स हैं जिसे वो मॉर्फ करके ब्लैकमेल कर रहा है। इस बिटिया ने वीडियो को अपलोड करके कहा है कि अगर तनवीर पे कार्रवाई नहीं होगी तो उसे अपने जीवन पे खतरा लग रहा है। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि तनवीर जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो नाम बदल कर ढोंग रच कर भोली भाली सनातनी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, इनकी जगह जेल के पीछे है, और इन पर अविलंब महाराष्ट्र पुलिस और झारखंड पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर कर लिया है रांची के गोंदा थाने में, और मुंबई की पुलिस से भी संपर्क किया है, अनुसंधान जारी है, और जल्द से जल्द सारे मामले का निष्पादन हम समझते हैं कि पुलिस करेगी। सरकार सजग है सभी मामलों पर।